कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूं, ये बेसिकली सेक्टर 23 ए में 195 स्क्वायर यार प्लॉट साइज है, और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, वो साउथ फेसिंग है। इसमें एक फ्लोर बिक गया है, वो कि जो कि है अपर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला फर्स्ट सोल्ड आउट है, और सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर मिल जाएगा इसमें आपको विथ रूफ राइट। 1150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आएगा इसका। ये इसका रैम्प एरिया है जो कि आप देख पा रहे हो, और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। ये और जेंट्री आप देख सकते हो, जेंट्री भी अच्छी है ये। और यहाँ पर आराम से आपको एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी, दो गाड़ी यहाँ पे, दो आपको गेट मिल रही है स्टील की, एक छोटा गेट मिल रहा है। सारे प्लेट्स पे इसमें प्रॉपर काम किया गया ग्रेनाइट का। ये इसका रैंप एरिया आ गया, मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। ये हो गया इसका पार्किंग एरिया। इसमें आप देख सकते हो दो बड़े साइज की गेट भी मिल रही है, एक छोटी गेट मिल रही है, गाड़ी की पार्किंग रहेगी इसमें आपको। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये हो गया इसका पार्किंग एरिया। इसमें आपको यहाँ पे फेस चेंजर भी लगा हुआ है, 195 स्क्वायर प्लॉट साइज है ये, तो देख सकते हो आराम से आपकी, आराम से इसमें 8 गाड़ी तो आराम से आ जाएगी। और ये पूरा ही पार्किंग हो गया इसका, अभी इसमें लकड़ी का काम चल रहा है। ये इसका हो गया स्टेयर गेस एरिया। यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हो इसमें आपको पर फ्लोर एक मिलेगा वाटर टैंक 2500 लीटर का। इसमें वाटर टैंक एक है, दो है, तीन है, चार, पर फ्लोर एक मिलेगा इसमें। और टेरेस पे छत पे 1000 लीटर का टैंक मिलेगा। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। और ये इसका हो गया स्टेयर गेस एरिया, प्रॉपर काम किया गया है इसमें मार्बल का। और यहाँ पे आपकी लिफ्ट आएगी, जॉनसन ब्रांड की लिफ्ट आएगी जो कि फोर्थ तक नहीं, टॉप तक नहीं जाएगी, फोर्थ फ्लोर तक ही जा रही है। यहाँ लिफ्ट का प्लेसमेंट किया जाएगा। ये इसका स्टील की गेट दी गई है इसमें जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे स्टील की रेलिंग आ जाएगी आपकी। मूविंग ऑन टू द टेरेस एरिया। और ये इसका स्टेयर गेस एरिया हो गया, प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का। जो इसमें जॉनसन ब्रांड की लिफ्ट आएगी वो आपको फोर्थ फ्लोर तक ही आ रही है, टेरेस तक नहीं जाएगी। और ये इसका स्टेयर गेस एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका छत हो गया, मूविंग ऑन टू द टेरेस, प्रॉपर इसमें टाइल का काम किया गया है जो कि आप देख सकते हो ये। स्टील की रेलिंग मिल रही है इसमें आपको। और इसमें आपको 1000 लीटर का सिंटेक्स मिलेगा। और टेरेस पे पॉलीवेल की सिंटेक्स है ये। और इसमें इन्होंने प्रॉपर सारे में ही टाइल का काम किया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। जेंट्री में दिखाना चाहूँगा, जेंट्री भी अच्छी है ये। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। और इसमें आपको टेरेस पे आप देख सकते हो, इसमें आयरन की आपको गेट मिल रही है प्रॉपर, और विंडो का प्रोविजन भी दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू द फ्लोर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ, ये बेसिकली सेक्टर 23 ए में 195 स्क्वायर प्लॉट साइज है, और ये 3 BHK है। अगर मैं बात करूँ प्लॉट की, तो ये आपको वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, ये साउथ फेसिंग है। सामने देख सकते हो जॉनसन ब्रांड की लिफ्ट आएगी इसमें आपको। अगर बात करूँ इसमें वायरिंग की, तो जितने भी वायरिंग इसमें किए गए हैं स्विचेस में, सारे पॉली कैप के वायरिंग हैं इसमें। फिटिंग से ना सारे जैगवार के रहेंगे। अब मैं आपको लेआउट सुनाता हूँ क्या है नहीं है। ये इसका किचन एरिया हो गया, ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, फॉल सीलिंग का काम सारे में हुआ हुआ है। ये आपकी फ्रंट बालकनी हो गई, इससे अटैच वाशरूम है। दो बेडरूम पीछे बैक साइड में है, दोनों में अटैच वाशरूम। अभी जस्ट आप देख सकते हैं बिजली का काम चल रहा है इसमें, इलेक्ट्रिशियन अब लाइट्स में वायरिंग का काम अभी चल रहा है इसमें। मैंने बताया था ये साउथ हो गया, ये प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई। और ये 1100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आ गया, और 195 स्क्वायर यार प्लॉट साइज है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, फ्रंट इसमें सारे में सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, ग्रे कलर की टाइल्स लगी हुई इसमें। और ये किचन का डिज़ाइन हो गया जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। इसमें फॉल्स लाइट्स के प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ सारे बॉक्स बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हो ये। और ये किचन हो गया इसका, इस तरफ आपकी फ्रिज आ जाएगी। यहाँ भी उन्होंने प्रॉपर सारे में टाइल्स का काम किया हुआ है। अगर बात करूँ टैप्स की, तो इसमें आपको जैगवार की
टैप आएगी, ये इसका स्टील की सिंक मिल रही है इसमें आपको, जो कि आप देख सकते हो ये, और टैप यहाँ लग जाएगा। विंडो का प्रोविजन मिल रहा है इसमें। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम, अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें भी आपको प्रॉपर काम किया गया है, टाइल्स का और फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ है, लाइट्स का प्रोविजन दिया गया है। इधर आपके एसी के लिए कॉपर वायरिंग की हुई है, विंडो मिल रहा है, गेट भी मिल रही है, इससे अटैच ही वाशरूम है। और ये वाला एरिया जो है ये आपका वार्डरोब एरिया आ गया। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बैल्कनी, अगर मैं बैल्कनी की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है, मार्बल का स्टील की इसमें रेलिंग दी गई जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ भी इन्होंने बेहतरीन से डिज़ाइन दिया हुआ है, आउटर्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ भी टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है। और ये इसका हो गया रैंप एरिया, जेंट्री भी आप देख सकते हो, जेंट्री भी काफ़ी अच्छी है देखने में ये, और इससे अटैच ये वाशरूम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका वाशरूम हो गया फ्रेंड्स। ये इस तरफ जो है ये आपका आ गया कमोट एरिया, और ये शावर एरिया, और वहाँ पे वॉश बेसिन एरिया आ गया, टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर, और ये वाशरूम हो गया। विंडो का प्रोविजन इसमें भी मिल रहा है आपको। तो ये हो गया इसका फर्स्ट बेडरूम। आप मैं बताना चाहूँगा आपको कि किचन में आपको एक चिमनी मिलेगी, टैप जो है जैगवार ब्रांड की आएगी इसमें आपको, और इसमें बैक साइड जो दो बेडरूम है दोनों में आपको अटैच वार्डरोब रहेगा, और ड्रेसिंग टेबल भी बनाएंगे। दो ही बेडरूम मिलेगा आपको, फ्रंट में जो है दो बैक साइड में आएगी और ड्रेसिंग टेबल भी आएगी। और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम, ये हो गया इसका थर्ड बेडरूम। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रंट, इसमें प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे, फॉल सीलिंग का काम इसमें हुआ हुआ है, लाइट्स के लिए प्रोविजन चल रही है अभी इसमें। और इस तरफ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लाइट लग चुकी हुई है, और ये इसका लाइट का प्रोविज़न हो गया। फ्लोरिंग में प्रॉपर सेरेमिक वेट्रीफाइड क्रीम कलर की टाइल्स लगी हुई, जो कि आप देख पा रहे हो कि इन्होंने रखा हुआ है कि स्क्रैचेज न लगे इसके लिए। और ये कवर्ड हो गया, एसी के लिए प्रोविज़न मिल रहा है इसमें आपको, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, ये मिलेगा, एक वार्डरूम मिलेगी प्रॉपर आपको इसमें, दो बेडरूम मिलेगा बैक साइड में, और ये इससे अटैच वॉशरूम हो गया प्रॉपर, इसमें भी टाइल्स का काम किया गया है। इस तरफ जो फ्रेंड्स इसका शावर एरिया हो गया, वो हो गया कमोट एरिया, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी वॉश बेसिन एरिया, और इस तरफ आपको गीजर के लिए पाइपिंग की हुई है, प्रोविजन छोड़ा गया है वहाँ पे, और ये वॉशरूम हो गया जो कि आप देख सकते हो ये। और ये जो कारपेट है फ्रेंड्स, 1150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आता है, और ये इसकी बालकनी होगी प्रॉपर, इन्होंने काम किया हुआ है इसमें भी, मार्बल लगी हुई है, मार्बल फ्लोरिंग में भी किया गया है काम, जो कि आप देख सकते हो ये, जो कि ये सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है ये फ्रंट बालकनी। ये पीछे का स्पेस हो गया जो कि आप देख सकते हो ये, मूविंग ऑन टू दी और टीवी पैनल जो है फ्रेंड्स, वो आपको दो बेडरूम में मिलेगा, एक मिलेगा ड्राइंग रूम में और एक किसी एक रूम में मिलेगा, तीनों रूम में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रूम में मिलेगा और एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। और ये हो गया फ्रेंड्स का थर्ड बेडरूम। अगर बात करूँ उसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है, सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, और इसे अटैच्ड ये वॉशरूम है। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी वायरिंग का काम चल रहा है। ये कवर्ड हो गया, इस तरफ जो ड्रेसिंग टेबल बनेगी इधर आपको, और चाहे इस रूम में दे चाहे उस रूम में दे, किसी एक रूम में आपको टी पैनल मिल जाएगा, और इससे अटैच ही वॉशरूम है जो कि आप देख सकते। ये इसका टाइल का डिज़ाइन हो गया जो कि आप देख सकते हो ये, और मेरे सामने जो ये वाला कमोट एरिया है, ये शावर एरिया हो जाएगा, इस तरफ जो ये वॉश बेसिन एरिया हो जाएगा, और इसमें इसमें जो स्विचेज है फ्रेंड्स, आपको कोना ब्रांड की स्विचेज आएंगी, CONA कोना फिनोलेक्स, इसमें सारे वायरिंग का काम किया जाएगा। यहाँ आपका विंडो आएगा, इधर आपकी डोर आएगी, आउटर्स के लिए सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हो आप ये। और इस तरफ जो है फ्रेंड्स आपका बालकनी हो गई प्रॉपर, मार्बल लगी हुई है फ्लोरिंग में, और ये इसका रेलिंग हो गया जो कि आप देख सकते हो ये। और मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, अगर मैं लॉबी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया जो कि आप देख सकते हो ये, फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है, देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है ये। और इसमें आपको यहाँ पे मैंने बताया था अभी कोना की आपके स्विचेज आएंगी, फिनोलेक्स की सारी वायरिंग आएंगी इसमें,
और यहाँ पे टीवी पैनल आएगा आपका, जो कि आप देख सकते हो ये। और इस तरफ आपका टीवी पैनल आएगा और ये फ्लोरिंग हो गया आराम से। इस तरफ आपकी यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा दो, डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका सोफा आ जाएगा आराम से। और अगर अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। इसमें 3 फ्लोर बचा हुआ है, बता देता हूँ कौन कौन सा। पहला अपर ग्राउंड और सेकेंड फ्लोर, अपर ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर, वो सोल्ड आउट है। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर मिल जाएगा विद रूफ राइट। और प्राइस एंड ऑल के लिए प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल, प्राइस में डाल दूंगा वहाँ से चेकआउट कर लेना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक भी करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छा वीडियो मैं बनाऊँ, अच्छा कंटेंट लाऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।